नमस्कार दोस्तों, अभी अभी विराट कोहली ने छोड़ी टेस्ट की कप्तानी। नहीं रहेंगे विराट कोहली अब भारत के किसी भी फॉर्मेट में कप्तान। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन इससे पहले, अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन कप्तान मानते थे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली लगातार कप्तानी को लेकर कॉन्ट्रोवर्सी में चल रहे थे। T20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया था। वहीं IPL 2021 के खत्म होने के बाद उन्होंने RCB की कप्तानी भी छोड़ दी थी और उसके बाद BCCI ने विराट कोहली से वनडे की कप्तानी भी वापस ले ली थी। फिलहाल विराट कोहली भारत के केवल टेस्ट के कप्तान थे, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हारने के बाद विराट कोहली ने आज शाम को ट्विटर अकाउंट पर कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। उन्होंने ट्विटर अकाउंट पर एक लंबा पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं टेस्ट की कप्तानी भी छोड़ रहा हूँ और उन्होंने रवि शास्त्री और महेंद्र सिंह धोनी का बड़ा शुक्रिया अदा किया। कहा कि मेरी कप्तानी में साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार कंट्रोवर्सी के चलने के कारण विराट कोहली ने यह बड़ा कदम उठाया। विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम अभी तक कोई भी ICC का टूर्नामेंट का खिताब नहीं जीती थी, तो ऐसे में विराट कोहली पर बहुत ज्यादा दबाव था। इसलिए आज क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से आज पूरी तरह से कप्तानी से विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है। अब भारतीय टीम के नए कप्तान KL राहुल और रोहित शर्मा में से किसी एक खिलाड़ी को बनाया जाएगा। तो दोस्तों, आपके हिसाब से भारतीय टीम का अगला कप्तान कौन सा खिलाड़ी होना चाहिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।